सुबह देखता हूँ जुपिटर प्लूटो के ऊपर चढ़कर बैठने की कोशिश कर रहा है और आज धूप निकली होती है मस्त वाली और फिर मैं अपने देसी सैंडविच बनाकर खाता हूँ। नहा धो के बाहर मोहल्ले के डॉग्स को खाना खिलाने जाता हूँ तो देखता हूँ कालू के गले में जख्म हो रहा है। घर से स्प्रे लाकर इसको पकड़कर लगाता हूँ, शायद इसको किसी ने काट लिया है। जैसे ही लगाता हूँ ये भाग जाता है, फिर हाथ भी नहीं आता है। फिर घर आकर देखता हूँ कि मम्मी प्लूटो को प्यार कर रही है तो जुपिटर खिलसकर भौंक रहा है और फिर प्रिंसेस को भी लाड़ प्यार दिखाती है तो जुपिटर गुस्से में दूर जाकर बैठ जाता है। फिर ट्रैक्टर लेकर गन्ने डालने खेत पर जाता हूँ। रास्ते में किसी भैया का ट्रैक्टर खेत में फंस जाता है तो इनकी हेल्प करता हूँ लेकिन ये निकल नहीं पाता। आखिर में ट्रैक्टर पलट ही जाता है। अब ये सारे गन्ने दोबारा से भरने पड़ेंगे। मेरा ट्रैक्टर भी खराब हो जाता है तो मुझे यहीं से लौटना पड़ जाता है। वो फिर सीधे ट्रैक्टर के मिस्त्री के पास जाकर ट्रैक्टर सही कराता हूँ। यहाँ अंकल इसको सही करते हैं तो फिर मैं एक गिलास जूस भी कराता हूँ क्योंकि सुबह से बस सैंडविच में ही हूँ। फिर ट्रैक्टर सही हो जाता है तो घर आता हूँ और प्लूटो लेट रहा होता है अपने सोफे पर तो मैं इसकी नाक को छेड़ता हूँ। देखना जरा कैसे लेटा है चिपकली बनकर। फिर ब्लूटूथ से मिलने जाता हूँ। ब्लूटूथ का लीवर अभी सही नहीं है, इसकी दवाई चल रही है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में।